अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आपको खुश आमदीद। आई होप लास्ट वीक आपका अच्छा गुजरा होगा, आपने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा इस मार्केट से। अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि सबको लॉस से बचाए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की खबर आप तक पहुंच सके। और उसके बाद इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप हमारे VIP प्रीमियम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट 3 से 4 डेली गोल्ड और अदर मेजर करेंसीज पेयर के सिग्नल आपके साथ शेयर करते हैं, तो अगर आप उस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले गोल्ड के H4 के टाइम फ्रेम पर आने के बाद आज मार्केट में कोई हाई इंपैक्ट न्यूज़ नहीं है, मैंने अभी देखा है तो कोई उसका हाई इंपैक्ट डाटा नहीं है। तो गोल्ड के H4 के टाइम फ्रेम पर आने के बाद आप देख सकते हैं गोल्ड ने अपना फ्राइडे वाले दिन ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया था, जो कि ऑलमोस्ट गोल्ड ने 2510 के करीब अपना टारगेट 2510 के करीब TP हिट किया है। और TP तो नहीं, एक्चुअली वैसे ही उसने 2510 लगाया, और उसके बाद हमें आज मार्केट में गैप डाउन के साथ थोड़ी सी ओपनिंग देखने को मिली है। ये अगर आप देख सकते हैं तो ये गैप डाउन के साथ थोड़ी सी ओपनिंग आज मार्केट में देखने को मिली है। अब सिंपल एनालिसिस यही है गोल्ड के, गोल्ड में हम बुलिश हैं। आपको जहाँ से डिप से एंट्री मिलती है आप बाय करें इसे। मैं तो ऑलमोस्ट तकरीबन 2050 के करीब से, 2100 के करीब से मैं फुल बुलिश था गोल्ड में, और अब भी फुल बुलिश हूँ। अभी नेक्स्ट गोल्ड का टारगेट 2580 है, इंशाल्लाह वो भी जल्द अपना ये टारगेट कंप्लीट कर देगा। तो उसके लिए अब नेक्स्ट इसका बाइंग एरिया, अगर आप H1 के टाइम फ्रेम पे चले तो H1 के टाइम फ्रेम पर आपके करीब नहीं, M15 के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। H1 के करीब तो कोई इतना क्लियरेस्ट लेवल नहीं है। M15 के टाइम फ्रेम पर अगर आपको आज के दिन प्राइस, M15 का ये लेवल है, M15 के अकॉर्डिंग अगर आपको आज के दिन प्राइस इस लेवल के करीब मिलती है ना, जिसकी प्राइस ऑलमोस्ट 2481 से 2477 तक है, तो अगर प्राइस आपको इस लेवल के करीब पर मिलती है तो आप यहाँ से बाइंग दोबारा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। फर्स्ट लेवल हमारे पास ये है, और दूसरा H1 का हमारे पास लेवल है जो जिसकी प्राइस ऑलमोस्ट हमारे पास ये एरिया, लेकिन इस एरिया पर जल्दी आज के दिन तो पॉसिबल नहीं है, आ भी सकता है लेकिन पॉसिबल भी नहीं है। तो जिसकी प्राइस ऑलमोस्ट 2445 से लेके 2435 तक का एरिया ऑलमोस्ट बनता है, अगर आप इसको थोड़ा सा डिफाइन करें एरिया को, तो वो इस एरिया पर बनता है जिसकी प्राइस 2440 से लेके 2432-33 तक का एरिया। तो क्योंकि ये एक लिक्विडिटी पड़ी है मार्केट में, तो अगर प्राइस इसको ब्रेक करता तो नेक्स्ट हमारे पास ये एरिया फिर हो सकता है प्राइस इसको टारगेट करे। तो जिसकी ये एक लिक्विडिटी एरिया, प्राइस इस लेवल की लिक्विडिटी स्वीप करेगा, और इस एरिया पर टैप करने के बाद हमें दोबारा अगेन बाउंस बैक देखने को मिलता है। आज के दिन आप एक्सपेक्ट कीजिएगा इस एरिया से हमें अगेन बाउंस बैक देखने को मिलता है, मिल सकता है। तो गोल्ड के ये थे हमारे पास सिंपल एनालिसिस। तो अपने नेक्स्ट पेयर पे चलते हैं जो कि यूरो USD है। यूरो USD के H4 के टाइम फ्रेम पर आने के बाद अगर आप इसके H1 टाइम फ्रेम ओपन करें तो ऑलमोस्ट नहीं बल्कि मैंने आपको इस एरिया के करीब से बाय बताया था। अगर आप ट्यूसडे और वेनसडे वाले दिन की वीडियो ऑलमोस्ट या थर्सडे वाले दिन की वीडियो देखें तो मैंने इस एरिया के करीब से आपको बाय का कहा था, जब प्राइस ने इस कैंडल की क्लोजिंग की थी। तो ये आपका फर्स्ट TP मैंने बताया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑलमोस्ट हिट होने के बिल्कुल करीब है। तो यूरो के लिए पॉसिबल सिनेरियो यही है कि अभी के लिए यूरो पहले ही अपने इस हाई को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद फिर हम इसका नेक्स्ट एरिया मार्क करेंगे नीचे वाले के करीब। लेकिन अभी अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो यूरो में, तो स्कैल्पिंग के लिए आपके पास एरिया बनता है, उसकी प्राइस ऑलमोस्ट ये आपके पास ये एरिया स्कैल्पिंग के लिए ये वाला, जिसकी प्राइस ऑलमोस्ट 1.09891 से लेके 1.09832 तक है। तो अगर अगेन आपको प्राइस इस एरिया के करीब मिलती है तो यहाँ से आप कंफर्मेशन देखने के बाद अपसाइड इसकी मूवमेंट देखने को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यूरो में अभी फ़िलहाल आप ब्रेकआउट का वेट करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे ही ब्रेकआउट होता है उसके बाद हमें फिर अगेन अच्छी
बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो नेक्स्ट पेयर पर चलते हैं जो कि जीबीपी यूएसडी है। जीबीपी यूएसडी के H4 के टाइम फ्रेम पर आने के बाद जीबीपी भी एक अच्छे बाइंग ट्रेंड में है, जो कि क्लियरली हाइयर हाई हाइयर लो बनाता हुआ बाउंस बैक कर रहा है। इसमें भी मैं स्ट्रांगली बुलिश ही था, आपको मैंने बताया भी था एरिया अगर H1 के टाइम फ्रेम पे चले, लेकिन वो हमारी लिमिट हिट नहीं थी हुई जो एरिया मैंने आपके साथ शेयर किया था ना फ्राइडे वाले दिन, ऑलमोस्ट ये वाला एरिया शेयर किया था। अगर आप प्रीवियस डे की वीडियो देखें फ्राइडे वाले दिन की, तो ये एरिया शेयर किया था, लेकिन प्राइस ने हमारे एरिया पर टैप करने से पहले ही हमें एक अच्छी बाउंस बैक देखने को मिली है। तो अभी के लिए जीबीपी यूएसडी में आपके पास अगर स्कैल्पिंग एरिया कहते हैं तो ये स्कैल्पिंग एरिया है, तो लेकिन स्विंग एरिया के लिए अभी आपके पास यही एरिया कि यहाँ से एक अच्छी बाउंस बैक वापस देखने को मिल सकती है, लेकिन आप अगर स्कैल्प करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास अगेन यही एरिया जिसकी प्राइस ऑलमोस्ट आपके पास बनती है 1.289 से लेकर 1.2825 है। तो अगर आपको अगेन प्राइस इस एरिया के करीब मिलती है तो आप यहाँ से अगेन वापस पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो आज के सिंपल हमारे एनालिसिस थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आप तक मिल सके। तो अगर आप मज़ीद कन्फर्मेशन वाले सिग्नल्स हासिल करना चाहते हैं, ये तो जस्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो होती है, इसमें हम कोई आपको बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन के साथ नहीं बता सकते। प्राइस का तभी पता चलता है जब हमारे जोन में आगे कन्फर्मेशन देती है, फिर वो एक्यूरेसी और इस सिग्नल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। यकीन माने ये अगर इसकी एक्यूरेसी 60% है ना, तो उसकी एक्यूरेसी 85 to 90% बन जाती है जब मार्केट जोन में आती है, तो उसके उस पर कन्फर्मेशन देखी जाती है और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो फिर हम उसको कन्फर्मेशन के बाद उसको ग्रुप में शेयर करते हैं सिग्नल्स को, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके सिग्नल्स भी हिट होते हैं। तो अगर आप उस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप को और व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं और टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो आज के लिए यही हमारे सिंपल एनालिसिस हैं। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।